यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान राजधानी लखनऊ स्थित पर्यटन भवन पहुंचे, जहां आयोजित सिल्क एक्सप्रो का उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने रेशम से बनी साड़ी और अन्य चीज़ों को देखकर उनकी सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश का जो लक्ष्य रखा गया है, निवेश लक्ष्य उससे दुगना होगा। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरकार प्रदेश में हर वर्ग के लिए काम कर रही है। सिल्क एक्सप्रो का उद्देश्य है कि लोगों तक कारीगरों की कला पहुंचे, ताकि जो कारीगर और किसान है उसको उसकी मेहनत का लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में भारी निवेश के लिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्यमी आएंगे और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। जितना निवेश का लक्ष्य रखा गया है उससे दोगुना निवेश उत्तर प्रदेश में होगा, और जिससे प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। लगे हमारे स्टॉल ये 3 दिन तक चलेंगे, 19 से लेकर 23 तक ये यात्री चलेंगे। लगातार क्योंकि रेशम पूजा से जुड़ा हुआ वस्त्र है, हम अगर कहीं कोई बहन बेटी के हाथ पीले करते हैं तो चढ़ाए में एक रेशम की साड़ी जाती है। गरीब आदमी क्या करेगा भाई, हमने इसी के चलते बनारस में 3000 मेट्रिक टन रेशम की खपत थी, वहाँ पर हमने कर्नाटक सरकार से टाई अप।